आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पुराने संसद भवन हो या नया संसद भवन, इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए कानून बनाने का जो शानदार काम हुआ है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी माननीय सांसदों का। हमने पिछले 2 दिनों में भी देखा कि कैसे अंग्रेजों के समय के बिल को उससे मुक्ति दिलाने का काम, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी मिली और नए भारत के लिए नए कानून भी मिले, और इस सदन ने सर्वसम्मति से उन बिल को पास भी किया, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, टेलीकम्युनिकेशन बिल हो, ऐसे अन्य बिल्स जो अब अगले कई सैकड़ों वर्षों के लिए भारत के काम आएंगे। उसी दिशा में आज मैं भी आप सबके सामने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 को लेकर आया हूं। ये बिल भी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य हमने किया। माननीय सभापति जी, अगर आप देखें तो ये बिल कितना पुराना है, 1867 का ये बिल है, और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस लगानी, पब्लिशर बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक बहुत बड़ा रोल होता था और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहले जाकर आप रजिस्ट्रेशन करने की एप्लीकेशन लगाओ, कई महीने वहां पर लगते थे, उसके बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया उसके पास लेकर आओ दिल्ली में, फिर उसके चक्कर काटो, फिर वापस लेकर जाओ जब तक आपको नाम मिलता था। लगभग 8 स्टेप थे। आज मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। ये सिंपल भी है, स्मार्ट भी है और साइमल्टेनियस भी है। इसको विस्तार में मैं बताऊंगा बाद में, और मैं इसलिए अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि पहले अगर डीएम के पास पहले करना पड़ता, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास बाद में करना पड़ता था, अब वो नहीं है। अब डीएम के पास भी और आरएनए के पास भी एक ही समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और अगर डीएम 60 दिन में जवाब नहीं भी देता तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, 60 दिन के बाद आरएनए ही आपको आपका अनुमति दे देगी। ये बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है, और मैं इसके लिए शुरू में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमने राज्यों से भी कंसल्ट किया, अलग अलग संस्थाओं से भी कंसल्ट किया, और उसके बाद हम आपके बीच में लेकर आए हैं। मैं इसमें एक दो बातें जरूर जिसमें प्रकाश डालना चाहता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में दिया है। हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून जिसकी आवश्यकता नहीं थी उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमने किया है। मैं एक निवेदन सभापति जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके लिए, अर्जुन मेघवाल जी, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर हैं और क्रिमिनलिटी इसमें खत्म हो अधिकतर कानूनों में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग मिले, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही। और मैं इस सभा में कहना चाहता हूं, इसमें भी हमने प्रावधान किए हैं, जहां बाकी जितने क्रिमिनलाइजेशन वाले ऐसे प्रावधान थे हमने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, और केवल एक ही ऐसा प्रावधान है जहां पर अगर आपने अनुमति ना ली हो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के पब्लिशर की, और उसमें भी आपको 6 महीने का प्रावधान दिया है कि आप उसके अंदर उसको बंद कर दें, अनुमति लें ना करें, तब जाकर केवल आपको सजा होगी,
अन्यथा आपको डीक्रिमिनलाइज सबको कर दिया गया है, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रावधान है जिसको मैं डिटेल में कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों की बात सुनूं तो उसके बाद ही अपनी बात रखूं। मैं सभा के सामने इस बिल को आज अच्छी चर्चा और सर्वसम्मति से पास करने के लिए रखता हूं और चाहता हूं कि सकारात्मक चर्चा हो और सर्वसम्मति से इसको पास किया जाए।